खबर लाल कुआ से है, जहां गोला नदी के किनारे बसे लोगों को भूकटाव से बचाने के लिए वन विभाग और जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला अधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल और तराई पूर्वी वन प्रभाग के वन अधिकारी संदीप कुमार के संयुक्त नेतृत्व में गोला नदी के तटबंध का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर कहा कि मानसून सीजन से पहले ही सभी व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाए। उन्होंने कहा कि आपदा जैसी समस्या से निपटने के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जहां 24 घंटे लोग मदद मांग सकते हैं। साथ ही जिले में 43 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। इसके अलावा 16 वायरलेस सिस्टम से कंट्रोल रूम को कनेक्ट किया गया है। इसके साथ ही श्रीलंका टापू में रहने वाले लोगों के लिए अतिरिक्त राशन उपलब्ध कराया गया है और आपातकालीन स्थिति के लिए अस्थायी हेलीपैड भी बनाए गए हैं। भूकटाव से बचने के लिए जल्द से जल्द तटबंध बनाए जाएंगे। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। राशन हम लोगों ने पहुंचाने की व्यवस्था कर रखी है। अभी तक लगभग अगस्त माह तक का जो राशन है हम लोगों ने बांट दिया है और सितंबर का अभी पहुंचने वाला है। तो ऐसे 219 हमारे दुकानें हैं जो काफ़ी सेंसिटिव हैं, जिन दुकानों से और गांवों को भी राशन पहुंचता है। अभी जो मानसून में जो है, जो बाढ़ के दृष्टिगत इसमें हमने जो है कुछ चैनल्स वगैरह बनाए हुए हैं, और ये बिंदुघाता का क्षेत्र जो लास्ट ईयर कट गया था, इसमें हमने लास्ट ईयर 1400 मीटर लंबा जो है एक चैनल बनाया था। अब उसके ऊपरी भाग में और नीचे वाले भाग में जो है जो अवशेष कार्य रह गया था, और इसके कारण जो है पानी आबादी वाले क्षेत्र की तरफ जा सकता है, तो उसको जो है उसमें हमने लगभग जो है 1300 मीटर लंबा जो है वो चैनल बनाया है।